नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मशीन में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी ब्रांडेड शॉर्ट लिंक बना सकते हो। अब देखिए, आपने कहीं बार देखा होगा बड़ी बड़ी वेबसाइट पे कि खुद के शॉर्ट लिंक होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर ये जो वेबसाइट है इसमें से मुझे किसी भी आर्टिकल या किसी भी जो पेज का लिंक शेयर करना है किसी भी जगह पे, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या तो यूट्यूब हो गया, तो आपने कहीं पर देखा होगा कि इसकी जो ब्रांडेड शॉर्ट लिंक होती है, जैसे कि देखिए ट्विटर, फेसबुक के सभी अलग अलग खुद की शॉर्ट लिंक होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी खुद की ब्रांडेड शॉर्ट लिंक बना सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ, इसके बाद हम एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आसानी से पता चले। अब देखिए, मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ हमारा ब्रांडेड शॉर्ट लिंक। तो जैसे कि देखिए, मैं यूज़ करता हूँ बिटली का, आप भी बिल्कुल फ्री में बिटली का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखिए, मुझे किसी भी आर्टिकल या किसी भी पेज का जो लिंक शेयर करना है, जैसे कि देखिए मैं आर्टिकल पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद इसमें से मुझे किसी भी आर्टिकल का अगर लिंक शेयर करना है। अब देखिए, मुझे ये टॉप 10 फ्री हाई क्वालिटी एडसेंस फ्रेंडली वर्डप्रेस थीम, इसका लिंक मुझे अगर यूट्यूब पे या तो कहीं भी मुझे शेयर करना है फेसबुक पे, तो ये बहुत ही बड़ा हो सकता है। देखिए, आपको देखा देखा बहुत ही बड़ा इसका लेंथ है, तो यूज़र को इसे समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना ब्रांडेड शॉर्ट लिंक यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, और जो आपका आपका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है आपके यूज़र और आपके विजिटर के सामने। जैसे कि देखिए, मैं लिंक को कॉपी करता हूँ, मैं जाता हूँ बिटली पे, इसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और वहाँ पे मैं इस यूआरएल को पेस्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक यहाँ से एक शॉर्ट लिंक क्रिएट हो गया। ठीक है, देखिए मैं देखिए हमारा एक शॉर्ट लिंक क्रिएट हो चुके हैं। इसके अंदर आपको जो देखने वाली चीज़ ये होगी, देखिए आपको देखा देगा एक कस्टम हमारा ब्रांडेड शॉर्ट लिंक है, आपको देखा देगा देखिए vboom.com और इसके बाद आपकी शॉर्ट यूआरएल। तो ये मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और मेरे सब्सक्राइबर के साथ मैं शेयर करूँगा इसके। देखिए, मैं आपको ब्राउज़र में पेस्ट करके दिखाता हूँ। अब देखिए, ये एक शॉर्ट लिंक होगी, एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही छोटी शॉर्ट लिंक। अब इसे मैं हमारे सब्सक्राइबर या किसी के साथ शेयर करूँगा तो एक प्रोफेशनल शॉर्ट लिंक लग गई, एक ब्रांडेड शॉर्ट लिंक। देखिए, आपको देखा देगा vboom.com और जो आपकी शॉर्ट लिंक। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो क्या होगा, जो हमारे ओरिजिनल आर्टिकल ओपन होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो आपका खुद का ब्रांडेड शॉर्ट लिंक। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया इस तरह से, तो ये एक ब्रांड जो ब्रांडेड आप शॉर्ट लिंक बनाने का बेनिफिट ये है कि आपकी इंप्रेशन पड़ सकती है आपके सब्सक्राइबर और आपके विजिटर के सामने, ये जो इसका खुद का एक ब्रांडेड शॉर्ट लिंक है। तो इसे आप कैसे बना सकते हो, इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको खुद का डोमेन रजिस्टर करवाना पड़ेगा। डोमेन के अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, .xyz या तो किसी भी जो आप सीपेस्ट डोमेन का भी यूज़ कर सकते हो आपके ब्रांडेड शॉर्ट लिंक बनाने के लिए। तो इस केस में हम यूज़ करने वाले हैं गोडेडी का डोमेन। तो आपको करना क्या है, आपका गोडेडी का अकाउंट ओपन करके रखने के बाद आपको ओपन करके रखना है आपका नया बिटली का अकाउंट। अब देखिए, मेरा बिटली का अकाउंट है, तो आपको सबसे पहले आपको लॉगिन करना है आपके bitly.com अकाउंट में। इसके बाद आपको क्लिक करना है आपके यूज़र नेम पे। अब देखिए, आप लॉगिन कर सकते हो या तो आपका खुद का अकाउंट बना सकते हो फेसबुक की मदद से। तो मैं यूजर नेम पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखा देगा मैनेज का, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखा देगा, देखिए साइड बार में ब्रांडेड शॉर्ट डोमेन, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, बिटली के अंदर आप एक ही डोमेन ऐड कर पाते हो अगर आप फ्री में इसका यूज़ करते हो तो सिंपल आपको एक बटन पर क्लिक करना है, देखिए ऐड ब्रांडेड शॉर्ट डोमेन। इसके बाद आपके सामने एक जो साइड बार ओपन होगा, इसके अंदर आपको देखिए सभी स्टेप दिखा देगा। आपको एक डोमेन परचेस करना है, इसके बाद आपको DNS सेटिंग करना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें से देखिए, आपको दूसरा वाला स्टेप फॉलो करना है अगर आपने ऑलरेडी डोमेन परचेस करके रखा है तो। इसमें से आपको देखिए जस्ट 2A रिकॉर्ड ऐड करने हैं आपके डोमेन के अंदर। इसमें आपको ये IP कॉपी पेस्ट करना है, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए देखिए, मैं पहले IP कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद आपको जाना है आपने जहाँ पर डोमेन आपका रजिस्टर करवाया वहाँ पर। इसके बाद आपको आपके यूजर नेम पर क्लिक करके माय प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए, आप इसका जो डोमेन आप अच्छी तरह से परचेस करना चाहते हो तो शॉर्ट डोमेन परचेस करो तो भी चलेगा, या तो ब्रांड डोमेन परचेस करो तो भी चलेगा। इस केस में हम यूज़ करेंगे जो .com डोमेन, देखिए vmix.com। इसके बाद आपको DNS पर क्लिक करना है और वहाँ जाकर आपको सिंपली देखिए ये जो 2 IP एड्रेस है इसको आपको पॉइंट करना है आपके डोमेन के साथ, इसका मतलब कि एयर रिकॉर्ड की मदद से। तो अब देखिए, हम आ चुके DNS मैनेजर में। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी ये 2 IP को पॉइंट करके रखा है। आपके डोमेन के अंदर एक जो एयर रिकॉर्ड ऑलरेडी होगा, देखिए आपको दिखा देगा ये डिफॉल्ट रिकॉर्ड होगा। इसके सामने आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके IP पेस्ट करना है। इसके बाद आपको एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, इसका नाम होगा एयर रिकॉर्ड। देखिए एड पर क्लिक कीजिए, इसके बाद सिलेक्ट ए टाइप और आपको IP जो यहाँ पर आपको @ लिखना है और आपका IP पेस्ट करना है। तो जो आपके दो रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो सके, इस तरह से आपको दिखा देगा। तो हमने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। इसके बाद सिंपली फिर से आपको जाना है
दो रिकॉर्ड ऐड करने के बाद आपकी बिटली के अकाउंट में वहाँ जाके आपका डोमेन आपको पेस्ट करना है या तो लिखना है। जैसे कि देखिए मैं लिख लेता हूँ विमिक्स इसके बाद .com इस तरह से, और आपको वेरीफाई डोमेन पर क्लिक करना है। अब देखिए आपका डोमेन सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके बाद देखिए हमारा डोमेन वेरीफाई भी हो चुका है, देखिए आपको दिखा देगा वेरीफाई लिखा है। तो आपका डोमेन एक बार वेरीफाई हो जाता है। अब देखिए वेरीफाई होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से आईपी चेंज करके रखा था। तो वेरीफाई होने में टाइम लगता है, तो इसलिए आपको पहले से आईपी चेंज करके रखना है, और मैंने भी रखा था। तो आईपी चेंज करने के बाद आपका डोमेन आपने ऐड किया, तो देखिए सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तो इतना ही करना है। इसके बाद देखिए जब आगे से आप शॉर्ट क्लिक करोगे आपके डोमेन की और किसी भी वेबसाइट की, तो आप अपने खुद के डोमेन से कर पाओगे। जैसे कि देखिए ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, जाता हूँ मेरी वेबसाइट में और वहाँ जाकर देखिए अब मुझे इस आर्टिकल की शॉर्ट लिंक बनानी है, ब्रांडेड शॉर्ट लिंक। तो इस जो पूरी यूआरएल को कॉपी करना है, इसके बाद जाना है आपको बिटली में जहाँ पर आपने जो थोड़ी देर पहले आपका डोमेन ऐड किया है वहाँ पे, और वहाँ जाके आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है। तो अब आपको देखा देगा आपका जो ब्रांडेड डोमेन, देखिए आपको देखा देगा विमिक्स। तो अब आप जो कोई भी यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करोगे और ऑटोमेटिकली जो यहाँ से एक जो शॉर्ट लिंक क्रिएट होगी इसके जो इसके साथ आपका होगा आपका खुद का डोमेन। जैसे कि देखिए आपको दिखा देगा विमिक्स आपको दिखा देगा, इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपके सब्सक्राइबर जो आपके साथ जो किसी के साथ अब इससे आप लिंक को शेयर करोगे तो एक ब्रांडेड शॉर्ट लिंक होगी। जैसे कि देखिए आपको दिखा देगा vimix.com इसके बाद आपका ब्रांडेड शॉर्ट लिंक। इसके अंदर खास बात देखिए आपको बिटली के अंदर एक ये मिलती है कि आपको जाना है फिर से आपके यूआरएल पे, आपके यूजर नेम पे, इसके बाद आपको मैनेज बटन पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको क्लिक करना है ब्रांडेड डोमेन पे, और वहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको देखिए आपका डोमेन सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अगर आप इसके बाद इसके अंदर जो HTTPS एनेबल करना चाहते हो तो आपको बिटली के अंदर डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता है। देखिए HTTP आप क्लिक कीजिए, और देखिए ये सभी ऑप्शन आपको ये दो ऑप्शन आपको एनेबल करके रखने, तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली आपके डोमेन के साथ HTTPS एनेबल हो जाएगा और आप इसे यूज़ कर पाओगे। अब देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो जो हमारा ओरिजिनल आर्टिकल ओपन हो जाएगा, और देखिए इसकी वजह से आपकी एक इंप्रेशन पड़ती है आपके सब्सक्राइबर के सामने कि इसका खुद का एक ब्रांडेड शॉर्ट लिंक डोमेन है। तो बस आज के वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद है, अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।